यार कहाँ हो तुम लोग? कैसा भाई तुझे? तुम्हें लड़के ऐसे क्यों देखते रहते हैं? हे वहाँ क्या देख रहे हो? डरते हैं ना? अगर 10 बार देखेंगे तो शायद डर निकल जाए, इसीलिए बार बार देखते हैं। क्या ऐसा कोई है जो तुम्हें ना देखता हो? उसके लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लड़का होगा तो वो मुझे नहीं देखेगा और मुझे उसी की तलाश है। अर्जुन आ गई तेरी वाली, अब जाना। दीवार ऊंची है, उतरने तो दे। तेरे लिए ऊंची है। पता है आज का एजेंडा क्या है? क्या? आज लालच नहीं करना है। भाग मत, तेरे लिए ही खड़ी है। और कोई नहीं मिली? चेयरमैन की भाई की बेटी मिली क्या? लड़की मुस्कुराकर क्या देखती है? लड़के ऐसे पागल हो जाते हैं। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके दिल में मेरे सिवा कोई और तो नहीं है। एक बार प्यार हो गया ना तो आदमी बेकार। जैसे ये अबे। घर की नजर, बाहर वालों की नजर, गांव वालों की नजर, आम काटना छोड़, इधर आ, तेरी नजर उतार दूं। आना, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार दूं। ये सब क्या है माँ? राम 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 राम, देखो कितनी बूंदे टपक रही है। कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को? कॉलेज के सारे लड़कों की नजर लगी है। इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ। एक ही ड्रॉप गिरा है, नहीं लगी। बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही सर। एक आवारा लड़के ने गांव की लड़की को भगाकर शादी कर ली सर। हमारे लोग उसे समझाने गए थे सर, मजाक मजाक में हाथापाई हुई और वो मर गया सर। कोई डर तो नहीं है ना? अब आप जरा संभाल लीजिएगा सर, इसी उम्मीद से आपके पास आया था। हाँ, चलता हूँ सर। नमस्ते। 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 मिलते। कॉलेज से आ गई? हाँ बड़े पापा, आ गई। भैया कॉलेज में सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा, अपना ही तो कॉलेज है। अगर किसी ने कुछ कहा तो दांत तोड़ने के लिए हमारे लोग हैं ना। जैसे पढ़ाई में कुछ बेसिक्स की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में भी बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही आपकी जिंदगी का न्यूटन लॉ होता है, पास्कल लॉ होता है। ठीक है, हा? कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है ये जानने के लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसका भविष्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, ये जानना जरूरी है। क्या समझे? इंसान को देखकर ही उसे ना समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिश्ता हो जाए तो हम सबके लिए अच्छा है। माँ अगर मैं शादी करूँगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करूँगी, इसके सिवा किसी से नहीं। यही मेरा फैसला है। क्या कहा तूने? क्यों बेटी, तुमने भी उसकी तरह सोचा है क्या? उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई भाई या फ्रेंड होगा ना। हाँ? मैं उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा। ए, बताने का सही टाइम है। तू बता दे। तू नहीं बता सकता? हमें क्या करना, अपना हिस्सा मिल जाता है ना। किसने सुना तुम्हें? चलो मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, जब तक ये सिलेक्ट करेंगे इंटरवल हो जाएगा, तो चलो हम बाद में आते हैं।
विविधा साड़ी, हर मौके के लिए विविधा साड़ी। उठ यहाँ से, तू वहाँ जाके बैठ। आइए आप यहाँ बैठिए। हर मौके पर रोजमर्रा हो या शादी पार्टी, विविधा साड़ी, विविधा साड़ी जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं। बनाए आपके व्यक्तित्व को खास, इसे पहनकर आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। विविधा साड़ी वही है ना जिससे कॉलेज में बात कर रही थी। विविधा साड़ी। हाँ यार, ये इसी के लिए यहाँ आया होगा, नई मूवी देखने आया होगा। क्या बात कर रहा है, उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो कुछ करे उसे रोकना होगा। कान के नीचे दो बजेंगे तो पता चल जाएगा मिलने आया कि नहीं। तू उस लड़की के लिए आया है ना, उसी से जाके पूछ लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। आज का एजेंडा ये है कि लड़की के सामने पिटना नहीं है, इन्हें धक्का देके भागो। ए रुक, ए रुक, ए भागते सही जगह पर आ गए हो। यहाँ पीटोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अबे पागल, तुझे पता तू कहाँ खड़ा है? तू तो मार खाएगा, उसे भी मार खिलाएगा। अभी तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, ये हमारा इलाका है। किसी की ताकत का पता चलता है तो उसके साथ 100 लोग हो जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे हजारों लोग हैं। तुम अपना खेल खेल चुके, अब हम अपना खेल खेलेंगे। क्यों बे, जा नहीं रहा है? तू क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हाथ पैर तोड़वा है? रात को दारू तो मिल ही जाती है।
हमारे साथ 9 लोग थे, अब 5 रह गए। अब 3 तो एक ही बचा यार। जब भी अर्जुन पर मुसीबत आएगी मुकुंद उसे बचाने जरूर आएगा, याद रखना। वो छोटी छोटी बातों से फायदा उठा लेता है, इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं। वो देखो कितना बेशरम है, बीवी ने एक ग्लास लस्सी पिलाई उसकी भी पब्लिसिटी कर रहा है। कुछ उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा, कंफर्म। पहले ये भी पी तो रहा हूं। लगता है आज फिर किसी की शामत आने वाली है। यहाँ अर्जुन कौन है? किस लिए? तो क्या है ना, हमारे चेयरमैन साहब को वोट देने वाले और वोट जुटाने वालों से बहुत प्यार है, तो मिलने बुलाया है। वोट हम देते हैं कि वो देते हैं? उनसे कहो वो आए। कहाँ चलना है? धोखा दिया है सर, आपने हमें धोखा दिया है, वो भी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर, आपने मुझे धोखा दिया है सर। सर गांव में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उसे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन अब जब मेरे बेटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है। क्यों, अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं? क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं? मैंने 25 सालों से आपको अपने दिल में जगह दी है सर, और इसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी किया वो किया, फिर भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा सर, आपको ही सपोर्ट करूंगा। ये वही है जिसके लिए आपने ये क्या है? मैंने कहा और तुमने बुला भी लिया। लड़कों की कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी तो उम्र है लड़कियों के पीछे भागने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूबसूरत हो, तभी तो झंझट करने का फायदा है। कुछ सेट करना है ना तो फिर वहां जाकर सेट करो। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे, जाओ। ये जो अपना चिट्ठी बाबू है ना, ये अपने गांव का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। गरम खून है और कोई काम भी नहीं है, एकदम खाली हूं। फिर मिलते हैं। आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चलता हूं। अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और शुरुआत इसी से करते हैं।